सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कुछ मन्नत मांगना चाह रहे हैं लोड़ी माता से और अभी तक लोड़ी माता पर आए नहीं हैं या उन्होंने अभी तक दर्शन भी नहीं किए हैं। केवल वीडियो के हिसाब से, वीडियो के तरीके से उनको पता चला कि ऐसा भी कोई मंदिर है, तो उन लोगों के लिए यह खास कर यह वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी टाइम, बहुत समय में बना पाया है वीडियो भाई। 2-3 दिन तक तो इसमें जानकारी इकट्ठा करने में लग गया, बट थोड़ा सा बड़ा है वीडियो, बट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको माता के मंदिर के दर्शन करा देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप दर्शन कर लीजिए माता के मंदिर के। जैसे कि आपने माता के मंदिर के दर्शन कर ही लिए हैं, तो चलिए हम आपको इसके पीछे ले चलते हैं, जो कि मन्नत मांगने के लिए माता के पीछे, जस्ट पीछे थापे या जो भी है वो लगाना पर करना पड़ता है। तो आइए हम आपको पीछे की साइड ले चलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये सामने जो ब्लैक कलर में थापे और साथिया देख रहे हैं, तो ये ब्लैक कलर का, यानी ये गोबर है, गाय का गोबर है, शुद्ध गाय का गोबर है। तो यहाँ पर साथिया और उल्टे थापे लगे हुए हैं, कुछ साथिया उल्टे बने हुए हैं, कुछ सीधे बने हुए हैं, कुछ थापे उल्टे लगे हुए हैं, कुछ सीधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी भाई लोग, जो भी मतलब लेडीज़ वगैरह, जो भी बहन भाई बेटिया जो भी है, वो मन्नत मांगने आती है, तो यहाँ पर उल्टे थापे लगा के जाते हैं। मतलब उल्टे थापे कब लगाते हैं, जब वो मन्नत मांगते हैं, या साथिया हो या जो भी। तो भाई ये सबसे पहले उनको बता देना चाहूँगा मैं, जो कई लोग पूछ रहे थे, जैसे कि राजस्थान से भी थे, कुछ भिंड थे और कुछ यूपी साइड से भी थे, तो उन लोगों को भी बता दूँ मैं। तो भाई सबसे पहले आप मतलब जब मन्नत मांग रहे हो तो यहाँ पर आना ज़रूरी है, और यहाँ पर आने के बाद आपका मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, या किसी की रुकावट से आपको बच्चा वगैरह में दिक्कत हो रही है, या किसी और कारण आपको बच्चा नहीं हो रहा, तो वो यहाँ आके आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप माता के मंदिर में आओगे, आप भगत जी से चर्चा करोगे, उसके बाद जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बना हुआ लोड़ी माता के जरिए जो भी उनको मतलब वो आपको बताएंगे करना होगा। अगर आपको कुछ नहीं तो यहाँ पे भी बनाए हुए थे, और ये देख सकते हो आप, यहाँ बने हुए थे चारों के बाद आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस इतना सा था, और चुके हैं अभी, तो जैसे इतना सा हम आपको और भी दोबारा दे देते हैं। तो जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं हल्दी के थाप, हल्दी के थाप क्या होता है, जैसे हल्दी के थाप और हल्दी के साथ तो सीधा कुछ उल्टा साथी है, तो बहुत से लोग क्या जानकारी नहीं होती है, गोबर का ही सीधा साथिया कर जाते हैं, बट जिनको थोड़ा बहुत जानकारी होता है तो वो हल्दी के साथिया बना के उनको सीधा कर देते हैं, और थापे भी रहते हैं तो वो हल्दी के थापे से सीधा कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सामने कुछ भगत जी वगैरह ही बैठे हो, और सावन का महीना चल रहा है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है माता के मंदिर पर। तो फिलहाल आप यहाँ पर कभी भी, आपने और वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है माता के मंदिर पर, फिलहाल अब भी कोई भी भीड़ नहीं है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है भाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, जो भाई लोग घर बैठ के सोच रहे हो मांगने का, तो भाई हो तो जाएगा, कन्फर्म है हो जाएगा, बट आपको पुत्र वगैरह प्राप्ति के लिए या कोई वैसी दिक्कत है तो आपको माता के मंदिर पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आके आपको ये देखा जाएगा आपके अंदर मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। माता का केवल एक ही रह सकता है, अगर आप कोई आपको परेशान कर रहा है कोई, यार आप पर कुछ करके रखा हुआ है, तो वो आप मतलब लोड़ी माता के आशीर्वाद से वो आपका हट जाएगा और आपको बच्चे यानी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कुछ नहीं है, मेडिकली प्रॉब्लम है आपके शरीर में ही कोई दिक्कत है, तो भाई वो नहीं होगा, वो कैसे भी है। तो आप एक बार आके माता के मंदिर पर आके एक बार डिसाइड यानी कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद कोई आंसर है कि भाई देखो फेक जानकारी देने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, कि माता का प्रशंसा ही कर रहे हैं हम कि आप यहाँ पर आइए, सब नामुमकिन भी मुमकिन हो, ऐसा कुछ नहीं। बट जी है कि थोड़ा बहुत अगर कोई कर रहा होगा आपका कोई जादू मंत्र जो भी है वो कर रहा होगा, तो माता उसको काट के आपको मतलब स्वतंत्र कर देती है, और कुछ नहीं है। तो बस यही था वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, और अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो ही रहा होगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वही व्हाट्सअप नंबर है, वही कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप वहाँ से हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, जय माता दी। और थोड़ा बहुत वीडियो और है, आप पूरा देख लीजिए। तो भाई सबसे पहले भाई बता दूँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।